चंद्रपुर के दाताला मार्ग पर नव निर्मित श्रीराम सेतु पुल किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में बना रहता है, और वहीं इस पुल को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप किया है कि इसके निर्माण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी ने इस संदर्भ में और क्या क्या कहा। दाताड़ा मार्ग पर बने हुए भव्य श्रीराम सेतु पुलिया के संबंध में आम आदमी पार्टी ने आरोप किया कि इसके निर्माण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तथा इस भ्रष्टाचार की जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष मयूर रायकवार, ऑटो आघाड़ी के जिलाध्यक्ष संतोष धुमाड़े, शहराध्यक्ष योगेश गोखरे, युवा शहराध्यक्ष संतोष बोपचे के साथ अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। तो सुनिए इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप किया स्वयं उनकी जुबानी। प्रत्येक नागरिक येऊन इथे रात्री फिरतो की लाइटिंग लावली आहे, रामाच्या नावाने हा पुलिया आहे, तर आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीचा निर्लज्ज पूल तुम्ही जर देऊन राहिले निकृष्ट दर्जाचा, एकदम म्हणजे काय म्हणा शब्द नाही, म्हणजे तुम्ही रामाच्या नावाने करप्शन करतात। अयोध्येमध्ये रामाच्या नावानं जमिनीचे घोटाळे करून ठेवले आणि चंद्रपूरच्या भाजपाने राम सेतू पुलाच्या नावानं भ्रष्टाचार करून ठेवला असा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे। सुधीर भाऊंनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी आणि तत्काळ राजीनामा द्यावा, आणि ज्या ज्या इंजिनियरनी या सगळ्यामध्ये घोटाळे केले त्यांना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, आणि ज्या कंपनीने हा पुलिया बनला त्यांनाही ब्लॅकलिस्ट करावा तुरंत, आणि या संपूर्ण पुलाची जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीने घ्यावी असं मी मागणी करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।